ठीक, देखो हमने लास्ट टाइम फोटॉन्स के ऊपर कुछ थ्योरी की थी, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरी बात फिर हमने रेडिएंट फोर्स और रेडिएंट प्रेशर का फॉर्मूला किया था, जिसके अंदर ए और आर गिवन होगा कि कितने फोटॉन्स सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसके बेस पे हम फोर्स और प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। वो थ्योरी हमने लास्ट टाइम की, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है। सब्जेक्टिव शीट नंबर 55, इसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं मैंने आपको। एक बार हम जस्ट आइडिया लेते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आर बाई 60 वॉट सोडियम लैम्प। 60 वॉट का सोडियम लैम्प है, पावर आपको गिवन है, और कितनी देर चलेगा? 10 घंटे चलेगा, और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इतनी देर में। पावर आपको पता है, आपको इसमें लैम्डा पता है, तो एच सी बाय लैम्डा से क्या आएगा? एक फोटोन की एनर्जी आएगी। तो हम क्या करेंगे इसमें? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? एच सी बाय लैम्डा, एंड एच सी बाय लैम्डा से ये वैल्यू आई। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय सोडियम लैम्प इन 10 आर। एक काम करेंगे, इधर देखो, एक फोटोन की एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा, क्लियर है आपको? इस क्वेश्चन के अंदर पी फॉर पावर पता है, एच सी बाय लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आएगा। ठीक है यहां तक? तो मान लो आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, पावर पता है, एच पता है, सी पता है, और लैम्डा पता है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि 1 सेकेंड के अंदर तो कितना नंबर ऑफ फोटोन्स हैं? पी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, तो कितने घंटों में निकालने हैं? 10 घंटे में। तो 10 आर का मतलब 10 × 60 × 60, इतने सेकेंड में पी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा इंटू 10 × 60 × 60, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स इज द आंसर। तो आपके जो कैलकुलेशन है, जो एंड में की हुई है, वो एग्जैक्टली इसके हिसाब से की हुई है। 10 × 60 × 60, 3600, और पावर की वैल्यू इसमें 60 है, तो 60 आ गई, और एच सी बाय लैम्डा को सॉल्व करके 3.3 × 10 की पावर -19। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां से? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो। सन, क्वेश्चन पढ़ो। सन डिलीवर्स अबाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू द अर्थ सरफेस। पहले ये बताओ गिवन क्या है यूनिट से देख के। किलोवाट का मतलब पावर डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, विच इज नोन एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी गिवन है। और कैलकुलेट टोटल पावर इंसिडेंट ऑन अ रूफ ऑफ डायमेंशन गिवन। तो एरिया आपको छत का गिवन है, वो कह रहे हैं इसमें टोटल पावर बताओ कितनी होगी। मेरे को पता है कि इसमें मुझे पावर की वैल्यू पता है, और साथ में मुझे इसमें एरिया पता है, या मुझे इंटेंसिटी पता है और एरिया पता है, और मुझे टोटल पावर निकालनी है। तो मुझे एक चीज बताओ, जो इंटेंसिटी होती है, आई आई फॉर इंटेंसिटी, विच इज इक्वल टू, आई इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर सेकेंड क्या होती है? पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो पी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो आपको इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी पता है, इस क्वेश्चन में एरिया पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी। इसने भी ये किया हुआ है, पावर इज इक्वल टू आई इंटू एरिया, आई इंटू एस, एस फॉर एरिया, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, इसी के अंदर बी पार्ट है, सोलर एनर्जी इन जूल इंसिडेंट ऑन द रूफ इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी एनर्जी यहां पर रूफ के ऊपर आएगी? ये पावर होती क्या है? पावर होती है एनर्जी पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी आएगी, तो 1 घंटे में कितनी आएगी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर ऐसे कर लो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू हमने निकाल ली इस पार्ट से, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे पावर की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला भी क्लियर है। नेक्स्ट है, रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स, एज्यूमिंग रूफ टू बी परफेक्टली
एब्जॉर्बर, सारे के सारे फोटोन वो क्या करती है, रूफ एब्जॉर्ब कर लेती है और रिफ्लेक्ट कोई भी नहीं करती. जब कोई एब्जॉर्ब करता है मटेरियल तो फोटोन क्या होता है, एच बाय सॉरी मोमेंटम क्या होता है, एच बाय लैम्डा. ठीक, खैर हमने तो सीधा फॉर्मूला ही किया हुआ है रेडिएंट प्रेशर का और फोर्स का, हमने डेरिवेशन की हुई है तो हमें पता है कि प्रेशर रेडिएंट एब्जॉर्ब करने के केस में क्या पुट करते हैं, आई अपॉन सी, लास्ट टाइम फॉर्मूला किया था. और अगर रिफ्लेक्ट होता तो फॉर्मूला क्या बनता, 2i/c. रिफ्लेक्शन के केस में डबल हो जाता है, 2 हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के केस में i/c. आई पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, आंसर. और इसके अंदर आपको इसमें फोर्स निकालनी है, प्रेशर आपने निकाल पी निकाल लिया, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो यहां से फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स भी आ जाएगी. पॉइंट समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, लास्ट टाइम हमने थ्योरी की थी उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ें प्लीज. देखो सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अ बल्ब लैंप एमिट्स लाइट ऑफ मीन वेवलेंथ गिवन एंड द लैंप इज रेटेड एट 150 वॉट एंड 8% ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज एमिटेड लाइट. तो इसमें 8% ही एनर्जी लाइट की फॉर्म में है, बाकी वेस्ट है. तो इसको इसमें हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड बाय द लैंप पर सेकेंड. तो मेरे को एक चीज़ पता है, अगर लैंप 100% एफिशिएंट होता यानी कि सारी की सारी पावर किस में कन्वर्ट करता, फोटोन्स में, लाइट में कन्वर्ट करता, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्या होता, पी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा. लेकिन वो कह रहा है कि पावर का सिर्फ कितने परसेंट, 8% ही वो कन्वर्ट कर पा रहा है लाइट में. तो इस टोटल पावर का 8% लेंगे, एच सी बाय लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्या आएंगे, फोटोन्स आएंगे पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कैन बी कैलकुलेट. तो एक फोटोन की एनर्जी निकल गई एचसी बाय लैम्डा और यूजफुल पावर क्या है इसका, 8%. तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आएगा. कोई डाउट इसमें, मेथड क्लियर है यहां तक कि कैसे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकलेगा. तो यूजफुल पहले लाइट निकाल लो और लाइट यूजफुल जो है 8% ऑफ टोटल पावर है. ठीक है यहां तक, तो डिवाइड करेंगे आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो.
तो इसमें क्वेश्चन देख लिया, क्या क्वेश्चन है? द सन गिव्स लाइट एट अ रेट ऑफ 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. एज्यूम दैट लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम. कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड अराइविंग एट 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द अर्थ. तो क्वेश्चन है कि एक सन है और सन जो है 1400 के आगे बने उसकी इंटेंसिटी, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. एज्यूम लैम्डा लाइट का पता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकालना है. तो सबसे पहले लैम्डा से आपके पास एक फोटोन की एनर्जी तो आई जाएगी. ये क्या गिवन है? इंटेंसिटी. इंटेंसिटी और एरिया के हेल्प से आप पावर निकाल सकते हो. पावर डिवाइडेड बाय एचसी बाय लैम्डा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड की वैल्यू होगी. तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले लैम्डा की हेल्प से क्या निकालोगे? एनर्जी. ई इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. तो यहां से आपके पास आएगा एचसी बाय लैम्डा जाएगा. और इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है? 1400 वॉट्स पर मीटर का स्क्वायर इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है. और एरिया आपको पता है, तो इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी, टोटल एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया. तो एरिया वो पुट करोगे तो टोटल एनर्जी पर सेकंड पावर आ जाएगी, और पावर बाय एचसी बाय लैम्डा इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आएंगे. तो मेरे ख्याल से सही किया हुआ है. सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रखे एचसी बाय लैम्डा, और इंटेंसिटी को इसने पहले ऐसे कर लिया, इसको ई से रिप्रेजेंट किया. एक फोटोन की एनर्जी इज ई, इंटेंसिटी इनटू एरिया क्या होता है? पावर. क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एनर्जी पर सेकंड यानी कि पावर. पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड. ठीक है यहां तक? ये वो फोटोन्स हैं जो कितने एरिया पे जाके गिर रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर पे. अब क्वेश्चन ये है कि बताओ कितने फोटोन्स सन से निकले और सच दैट रेडियस अर्थ के ऑर्बिट का आपको मालूम है, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस गिवन है. तो कितने फोटोन अर्थ सन से निकले, वो कैसे निकले और वो कितने एरिया में निकले? 4π² एरिया में निकले. ठीक, इससे पिछले क्वेश्चन में ये था कि कितने फोटोन इतने एरिया पे गिरे. अब क्वेश्चन है कितने फोटोन सन में से निकले. तो निकलेंगे कहां? आर रेडियस में निकलेंगे. तो एरिया जहां आपने 1 यूज किया था पिछली बार, उस एरिया की जगह क्या पुट करेंगे? 4π r² आपका आंसर नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा. यह सारी गेम एरिया के ऊपर है. इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी सन की. एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर पुट करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन 1 मीटर स्क्वायर के आएंगे. 4π r² पुट करोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स 4π r² के आएंगे जो कि सन में से निकलेंगे. तो कहने का मतलब बी पार्ट में पावर ऑफ सन तो वही रहेगी, इसमें आई इंटू एरिया कितना था? 1, लेकिन इसमें एरिया क्या होगा? 4π r² डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाय लैम्डा हमने निकाली हुई है. इसमें से ई जो भी आएगा पुट कर लेना, आंसर आएगा. मतलब ए और बी पार्ट में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, और वो क्या है? एरिया. समझ में आ रहा है यहां तक? तो जितना बड़ा एरिया होगा उतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ज्यादा होंगे. एरिया कम होगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी कम होंगे. ठीक, नेक्स्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर पी इज एज शोन इन अ फिगर. फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट रेस. द सरफेस ऑफ बॉडी ऑन विच लाइट बीम इज इंसिडेंट इज हैविंग रिफ्लेक्शन कोफिशियंट ए आर. रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को ए ऑफ आर बोलते हैं या आर बोलते हैं, एक ही बात है. इसका मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड. इसका मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड. जो लास्ट टाइम जब थ्योरी कर रहे थे उसमें आर और ए सिंबल यूज किए थे, इसमें ए आर और ए ए यूज करेंगे. तो इसके अंदर आपको ये फ्रैक्शन गिवन है और आपको निकालना क्या है? फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक प्लेस्ड. तो फोर्स का फॉर्मूला अगर निकालना है तो उससे पहले काम करना पड़ेगा. 0.7% फोटोन्स क्या, 0.7 जो फ्रैक्शन है वो क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. 0.7 का मतलब होता है 70%. 70% फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 30% क्या हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं. ठीक, जो तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं
उनका चेंज इन मोमेंटम टू टाइम्स होता है एच बाई लैमडा, जो सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनका चेंज इन मोमेंटम सिर्फ एच बाई लैमडा, ठीक। तो एक फोटोन का रिफ्लेक्शन के केस में फोर्स निकलेगी कैसे, रिफ्लेक्शन में एक फोटोन का मोमेंटम का चेंज टू एच बाई लैमडा, और ऐसे कितने फोटोन्स हैं अगर आप पावर को एच सी बाई लैमडा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, पावर को एच सी बाई लैमडा से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, ठीक बोल रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को एक फोटोन के चेंज इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, और टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या होता है, फोर्स। लेकिन ये टोटल फोर्स है, इसका कितना लेना है आपने 0.7, इसका सिर्फ 0.7 लेना है, क्योंकि 70% जो है वो किस केस में जाएंगे, रिफ्लेक्टेड के केस में जाएंगे, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.7। अब आ जाते हैं एब्जॉर्ब्ड पे, कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं पर सेकेंड, पी डिवाइडेड बाय एचसी बाय लैम्डा टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड है, इसका 30%, क्योंकि इसका 70% क्या था रिफ्लेक्ट, तो इसका 30% क्या होगा, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और एब्जॉर्ब के केस में चेंज इन मोमेंटम कितना होता है फोटोन का, एच बाई लैम्डा। तो ऐड करोगे आंसर आएगा, पी पता है और सी पता है, आंसर आ जाएगा पी फॉर पावर, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से ये वैल्यू पुट करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों मेंशन होंगे इसमें, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक प्लेट है, एक प्लेट है और हम प्लेट के नीचे से फोटोन्स से हिट कर रहे हैं उसे, और फोटोन्स क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स ऑफ फोटोन से ये प्लेट किस पे आई हुई है, इक्विलिब्रियम रेस्ट पे है। वैसे एक हाइपोथेटिकल केस है, लाइट गिरने से प्लेट जो है वो इतनी इतनी फोर्स नहीं होती कि वो रेस्ट पे आ जाए, पर चलो अगर वो रेस्ट पे आ जाती है, रेस्ट पे क्यों आएगी हवा में, इसका वेट इससे नीचे गिरेगा mg, और अगर फोर्स ऑफ फोटोन्स ऊपर की तरफ वेट को बैलेंस कर जाएं तो प्लेट रेस्ट पे आ जाएगी। आपको इसमें गिवन क्या है, मास गिवन है प्लेट का, यानी कि वेट गिवन है प्लेट का, और पावर ऑफ द बीम आपको निकालना है, और आपको ये एंड में गिवन है, अज्यूम दैट प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ठीक है यहां तक। तो अब इस केस में इक्विलिब्रियम के लिए जो फोर्स की वैल्यू है फोटोन की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, टोटल वेट के इक्वल, और वेट की वैल्यू कितनी है इसमें, mg, ठीक। फोर्स एब्जॉर्प्शन के केस में हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला किया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, आई ए बाई सी, या फिर इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होता है, पावर बाय सी, लास्ट टाइम प्रूव किया था फोर्स का, तो पावर बाय सी या आई ए बाई सी। और अगर एब्जॉर्प्शन का केस है, अगर रिफ्लेक्शन का केस होता तो यहां दोनों जगह टू भी लगता, ठीक। तो इस केस में ये जो फोर्स है फोटोन की पी बाई सी मस्ट बी इक्वल टू वेट एम जी, तो यहां से पी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अच्छा ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में नहीं है, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में नहीं है, इसको प्लीज आंसर निकालना, इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं है, इसका आंसर एक्चुअली क्वेश्चन आंसर इसका किसी और क्वेश्चन के साथ मेंशन्ड है,
वो गलती से क्वेश्चन मिस हो गया और आंसर कहीं और जगह पेस्ट हो गया उससे, प्लीज आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करें। इसमें क्या किया जाएगा, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है इज प्रोपगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल सरफेस, द इंटेंसिटी ऑफ बीम इज गिवन, इंटेंसिटी मिलीवॉट का मतलब है एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन। तो ये एक्चुअल में क्या गिवन है, पावर और ये एरिया, पावर बाय एरिया क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी, ठीक, क्योंकि पावर का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। Find the pressure exerted by radiation on the metallic surface if radiation is completely reflected. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द प्रेशर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो सोल्यूशन लिखा हुआ है गलती से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसका सोल्यूशन गलत पेस्ट हो गया, तो इसमें आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है प्रेशर का जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना 2P by C फोर्स थी, अभी डिस्कस किया था P by C फोर्स होती है, पर रिफ्लेक्शन के केस में 2P by C होती है, और इसको किससे डिवाइड करना है, एरिया से, फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे, तो यहां से सीधा 2P by CA वैल्यूज पुट करेंगे आंसर। तो ये कुछ नहीं करना आपको, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमने लास्ट टाइम इसका फॉर्मूला खुद डराइव किया था, उस डेरिवेशन से सीधा आंसर आ जाएगा फोर्स का। तो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला कोई भूलना नहीं है, पी बाई सी, और एब्जॉर्प्शन के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में 2P by CA, फिर अगर फोर्स आ गई तो प्रेशर तो आप निकाल ही लोगे इसमें, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां तक सीधा फॉर्मूला लगाना है इसमें। नेक्स्ट, हाउ मैनी फोटोन्स ऑफ, ये रेडिएशन कुछ नहीं होता, ये रेडिएशन है, सो हाउ मैनी फोटोन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज 5×10⁻⁷ मीटर फॉल्स पर सेकेंड। तो आपको बताना है कितने फोटोन्स पर सेकेंड गिर रहे हैं, और एक ब्लैक पेपर है और जिसके ऊपर फोर्स इसके इक्वल है, बताओ ये केस कौन सा होगा, एब्जॉर्प्शन का कि रिफ्लेक्शन का, ऐसा कैसे पता लगा आपको, ब्लैक पेपर है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, सही। तो सीधा इसमें इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे आप, इसमें इसकी बजाय आप सीधा ऐसे लगाएं, क्योंकि ये केस एब्जॉर्प्शन का है, तो एब्जॉर्प्शन के केस में हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन के केस में मोमेंटम की वैल्यू एक फोटोन की क्या होती है, एच बाई लैम्डा, एक फोटोन का इधर इधर मत देखना, चेंज इन मोमेंटम आ गया, इस एक फोटोन के चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मैं मल्टीप्लाई करता हूं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फोर्स, क्योंकि फोर्स होती है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इनटू एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यहां तक आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पावर की वैल्यू गिवन है, पी गिवन है, तो आप नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड को कैसे पुट करेंगे, पावर पी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की। बट क्योंकि आपको क्वेश्चन में खुद क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ही तो निकालने हैं, तो आप इसकी जगह सीधा क्या पुट करेंगे, एन, क्योंकि आपको फोर्स की फॉर्म में निकालना है, क्योंकि आपको कितनी फोर्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने हैं, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई कितनी, एच, सीधा फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां से सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, क्लियर है यहां तक, ठीक। दूसरा पार्ट इसका क्या है, एट व्हाट रेट विल द टेम्परेचर ऑफ प्लेट राइज इफ
इट्स मास इज गिवन एंड स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू गिवन. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है और मास की वैल्यू गिवन है. तो इस केस में क्या करना है, आप इसमें अब एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे. कैसे, मुझे पता है कि एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा. ठीक, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, स्मॉल एन से, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी पर सेकेंड. क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी को नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी, और पर सेकेंड का मतलब टोटल एनर्जी पर सेकेंड. समझ में आ रहा है यहां तक? तो टोटल एनर्जी आ गई आपके पास, टोटल एनर्जी पर सेकेंड, पावर भी बोल सकते हैं इसे. अब ये सारी की सारी एनर्जी वो कह रहा है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये बेसिकली टोटल एनर्जी की जगह ऐसे लिख लें, दिस इज बेसिकली हीट एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू एन इंटू एच सी बाय लैम्डा. और हीट एनर्जी क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम मास, सी फॉर स्पेसिफिक हीट, इंटू चेंज इन टेम्परेचर कैपिटल टी और टाइम की जगह डी टी. तो यहां से क्या आएगा, एन इंटू एच सी बाय लैम्डा. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर सेकेंड, यानी कि डी कैपिटल टी बाय स्मॉल टी टी. तो ये वैल्यू निकलेगी. तो यहां से अब वैल्यू निकाल लेना, एच सी बाय लैम्डा एम इंटू सी, सी से सी क्या हो गया कैंसल. एन फर्स्ट पार्ट में हमने निकाल लिया, एच हमें पता है, मास और लैम्डा हमें पता है, यहां से आंसर आ जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है. सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है पर ये ज्यादा इजी है, कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है कि कैसे करना है. नेक्स्ट, देखो इसमें नहीं, स्पीड ऑफ लाइट होती है एच सी बाय लैम्डा में, एम सी में नहीं, वो हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, एम एस कर लो इसे, एस फॉर स्पेसिफिक हीट. ओ सॉरी, यस सही है, सी सी कट नहीं सकता, राइट. तो ये सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट है, राइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये एस कर लेते हैं. हाँ सही है, मैंने गलत सिंबल लिया, एस लेना चाहिए, अब सही है. तो ये निकाल लेना, सही है, नहीं कटना चाहिए, सिंबल गलती से सी और सी सेम हो गया. कई बार पावर और प्रेशर के अंदर भी सिंबल सेम हो जाता है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से फिर अलग अलग सिंबल्स ही लेंगे इसमें. ओके, द क्वेश्चन इज द मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा गिवन इंसिडेंट नॉर्मली अपॉन अ सरफेस प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर की वैल्यू गिवन है. Assume that 25% of the light incident is reflected and rest absorbed. तो आपको ये पता है कि R की value, R का मतलब fraction reflected 0.25 है,
0.25, आर की वैल्यू 0.25 है, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ दिन सरफेस। तो हमने फॉर्मूला किया था पी का, आपको याद होगा। तो पी का फॉर्मूला क्या होता था, आई बाई सी वन प्लस आर, ठीक। तो इसमें इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में सीधी गिवन है 0.25, लास्ट टाइम थ्योरी की थी ना, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होता है, कितना रिफ्लेक्ट होता है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रेशर का। तो सीधा आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई की वैल्यू, तो इंटेंसिटी आ गई आपके पास एक, ठीक। इंटेंसिटी आ गई तो आपके पास एक फोटोन की एनर्जी लैम्डा से निकालोगे, एच सी बाय लैम्डा, और इंटेंसिटी को लैम्डा से अगर डिवाइड करेंगे, इंटेंसिटी को मींस एनर्जी से, एक फोटोन की एनर्जी से, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि सबसे पहली चीज इसमें क्या निकालनी थी, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, पॉइंट क्लियर है, ठीक ठीक। तो इस असाइनमेंट में यहीं तक, अगले तीन क्वेश्चन थोड़े से जो है ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, और अगली असाइनमेंट भी थोड़ी सी जो है डी ब्रॉगली के मैटर वेव्स के ऊपर है, जो हमने क्लास में कवर नहीं की, ठीक। तो उस नेक्स्ट टाइम करेंगे, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर सच एक और टॉपिक है, एक छोटा सा, जो आप असाइनमेंट नंबर Mm-hmm.